अच्छा तो तुमने लिखा है तो इंडिया की कसम खा के कहो। हाँ अब तो ऐसा ही होगा भाई, तुमने यकीन नहीं किया। अब सुनो, ओम शांति ओम की स्टोरी मैंने लिखी है। अच्छा, ओम शांति ओम की स्टोरी तुमने लिखी है? सब नसीब का लफड़ा है भाई, एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी पर यकीन नहीं कर रहा, वो स्टोरी मेरी है। सुन, पिया हाजी अली गाना किसने लिखा है? क्यों बता तुझे, मैं कहूंगा तभी यकीन नहीं करेगा। अबे जा, तूने थोड़े ना लिखा है। अपने को इतनी फेम की चाहत नहीं, हाजी अली की कवाली उन्होंने खुद ही लिखी है। चल ये बात तो तूने सच कही, वो यार आते वक्त गानों की कैसेट लाना भूल गया। अरे तेरे जैसा नहीं हूँ मैं, मोबाइल थिएटर सीडी काहे को ये सर। अरे भाई आप मेरे लिए गाना गाओगे? वो क्या है कि हारमोनियम ओपन हो जाए तो मेरा रुकना मुश्किल हो जाता है। हाजी अली रिया हाजी अली। तुम लोगों ने एक जगह इकट्ठा होकर इस 5-स्टार होटल को भी मछली बाजार बना दिया है। बी साइलेंट हाँ, प्लीज लेट मी डू माई वर्क। परमपिता परमेश्वर की वो अनमोल शक्ति वापस जरूर आएगी। Yes, I got it. चंदू, ये तुम्हें कहाँ से मिला बताओ मुझे। मैं बताऊंगा तो डांटोगी तो नहीं? नहीं मैं नहीं डांटूंगी पक्का। थाईलैंड उतरते वक्त पहली बोनी थी। कहाँ, किसके पास से? वो नहीं पता मुझे, एक बकरे से टकराया, उसकी जेब से फौरन निकाल के मैं वहां से निकल लिया। तुम्हें पता भी है ये है क्या? तुम इतना भी नहीं जानती, विदेशी पेपर वेट। हाँ। चीची, पर वो तुम कुछ नहीं जानते। इट्स अ मोस्ट हिस्टोरिकल डायमंड। डायमंड? हाँ चंदू, जिसे हासिल करने के लिए मैं ढेरों रिसर्च कर चुकी हूँ और जिसके लिए तुम्हारी मदद मांगी थी। जिस डायमंड के लिए हम इतनी दूर थाईलैंड आए, ये वही डायमंड है, त्रिनेत्र। त्रिनेत्र डायमंड? बोले तो कोहिनूर डायमंड जैसा। चंदू, इस डायमंड को बेचकर एक बड़ी बजट का फिल्म बनाकर उसे करोड़ों रुपए निकाल सकते हैं। सच में? हाँ। जब से हम थाईलैंड आए हैं तब से ये मेरी जेब। हाँ, में है। यही तो है मिस्ट्री, अब समझ में आया वो लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं। इमीडिएटली वी हैव टू लीव दिस प्लेस, लेट्स गो। तुम एक काम करो, एयरपोर्ट जाकर कंफर्म टिकट ले लो। से जाना, जाओ। ठीक है, मुझे बच के। ठीक है, भाग भाग। अरे बाप रे, भागो। सर आप तो
फाइट मास्टर राम लक्ष्मण है ना? हाँ भाई। अरे ये तो हिंदी बोल रहा है। लेकिन आप यहाँ पर कैसे? शूटिंग के लिए आए हैं। ओहो, और तुम क्या सारे लोगों को टक्कर मार रहे हो? वो कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए हैं सर। गुंडे? बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने मेरी जान बचाई। एयरपोर्ट का रास्ता बताएंगे मुझे? एयरपोर्ट इस तरफ पड़ेगा। ओ छी छी, अभी तो वहीं से भाग के आया हूँ सर, फिर उधर ही जाना होगा। चलता हूँ। सर, आप उनकी फिल्म में आप ही फाइट मास्टर होंगे। थैंक यू। पकड़ो इंसानों को। तुम्हारा बैग कहाँ है? ओह गॉड, चंदू, तुम कैसे भी करके उस बैग को लेकर आओ चंदू। डायमंड उसे में है चंदू। ठीक है ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। तुम्हारा बैग। मैडम, तुम माफिया गैंग से मिल गई, ये सोचकर मैं डर गया था। ला दो। ये लो। ठीक है चलो। रुको, अब परेशान मत होना, हमेशा की तरह आज भी आधे घंटे लेट है। कोई टकराया तो जाके बाथरूम में मुंह छुपा लेंगे। हे, मुंह छुपाने की हमें क्या जरूरत है? अब समझाना पड़ेगा वो माफिया गैंग वाले। अब कहाँ के माफिया गैंग, अब तक तो पुलिस ने उनको जेल में भी डाल दिया होगा। हाँ हाँ, देर आए दुरुस्त आए, आखिर सच की जीत होती है। बट एज अ डायरेक्टर कम स्टोरी राइटर, जैसा सोच रहा था फिनिशिंग टच में कुछ मिसिंग सा लग रहा है। वो देखो कौन आ रहा है, चलो भागो भागो। भागे तो वो शूट कर देंगे, इसलिए चुपचाप यहीं खड़े रहो। ठीक है, भागकर गोली खाने से अच्छा है कि खड़े खड़े हथकड़ी डलवा लें। आयो मिस्टर चंदू। यस आई चंदू। सर वो कुछ नहीं जानता सर, वो बच्चा है, अमेरिका समझकर थाईलैंड चला आया सर, फिर कभी हवाई जहाज पर नहीं चढ़ेगा सर। मैं बोले जा रहा हूँ तो कुछ बोलना। Many years ago, Mafia King Rakesh Pandey, we were not able to catch him. Now he was caught by us because of you. वो फांसी पर चढ़ने की बात कह रहे हैं और आखिरी ख्वाहिश पूछ रहे हैं। वो ये बात नहीं है, पिछले 25 सालों से जो माफिया डॉन राकेश पांडे पुलिस से छिपा फिर रहा था, उसे पकड़वाने का सरकार ने 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा था, वो तुम्हें मिला है। सच 1 करोड़ रुपए? सर एक्चुअली ही इज माय असिस्टेंट, उस माफिया डॉन को पकड़ने में मैंने भरपूर कोशिश की सर, वो चेक मुझे दे दीजिए सर। अबे सर, वो चेक का असली हकदार चंदू है। चंदू? चंदू क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ अब तक कितनी जेबों को मार के 1 करोड़ रुपए कमाता। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम,
गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम।